अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं बनाने जा रही हूँ शलगम पालक, और ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास आधा किलो शलगम और ये एक गट्ठी पालक है, और एक टमाटर, अदरक लहसुन, हरी मिर्च और एक प्याज, एक चम्मच मिर्च, हल्दी, ये सब एक एक चम्मच है मसाला। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। ठीक है, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है कम डाल दें। ठीक है, आज मैंने कहा कि आप लोगों के साथ सब्ज़ी की कोई रेसिपी शेयर करती हूँ। शलगम पालक जो है सर्दियों में बहुत ही जो है ना खाई जाती है डिश, तो आज मैं वो बना रही हूँ। जना मैंने प्याज रख दी है ब्राउन होने के लिए, ब्राउनिंग पिंक होने के लिए, हल्का हल्का सा ब्राउन होगा, ज़्यादा मैं इसको डार्क नहीं करूँगी। ज़्यादा डार्क करूँगी तो फिर जो है ना वो बहुत ही डार्क कलर आएगा डिश का, तो मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी। पिंक से अगला स्टेप जो है ना हल्का सा ब्राउन, दैट्स इट, उसके उससे ज़्यादा नहीं मैं करूँगी। प्याज हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, और फिर मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जी जनाब, अब टाइम आ गया है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने का। दोनों चीज़ें साथ जाएंगी और फिर इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा भूना जाएगा। आपने इतना भूनना है कि अदरक लहसुन भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और नीचे ना लगे। ठीक है, और अगर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा ब्राउन हो गई तो फिर आवा याद रखिए कि डिश की जो डिश का जो कलर है वो बहुत ही डार्क हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा इसको हल्का ब्राउन सा, खिला खिला सा कलर रहना चाहिए इसका। मेरे चम्मच हिलाने पे मत जाइएगा और हंसिएगा भी नहीं, क्योंकि मेरा यही स्टाइल है। जल्दी जल्दी में मुझे काम करने की आदत है और चम्मच हिलाने की मुझे बहुत ही आदत है। तो अब इसके साथ जा रहे हैं टमाटर और हरी मिर्चें। एक हरी मिर्च काफ़ी है, क्योंकि जो शलगम थे वो भी आधा किलो थे और पालक एक गट्ठी थी, तो एक टमाटर बड़े वाला आप ले लें, बहुत ही काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, और एक हरी मिर्च बड़ी आप ले लें। मैं हरी मिर्चें मोटी वाली इस्तेमाल करती हूँ, जो सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल होती हैं। पतली वाली मैं नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि बहुत ही सख्त होती हैं, बहुत ही वो जो है ना तंग करती हैं फिर। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ मैं, लाल मिर्च, नमक, और क्या था, सूखा धनिया, सॉरी, और हल्दी, ये सब एक साथ अंदर जाएगा। ज़ीरा जो था वो मैंने पहले ही प्याज के साथ ही ऐड कर लिया था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, वो मैंने जो ज़ीरा, साबुत ज़ीरा था, वो प्याज के साथ ही ऐड कर लिया था। अब जनाब हम इन सब चीज़ों को इतना भूनेंगे कि ऑयल एंड्स पे जो है ना किनारों पे वो आपको दिखाई दे। ठीक है, अब आप जिस तरह देख रहे हैं कि ये बहुत हद तक जो है ना मसाला भुन चुका है, ठीक है, लेकिन मैं और इसको भूनूंगी ताकि जो है ना अच्छा ये मसाला जो है ना भुने और अच्छा टेस्ट इसका निकले। जितना मसाला जो है ना भुनेगा, ज़्यादा भुनेगा, उतना आपका खाना अच्छा बनेगा। और अगर आपको पीछे से बाइक्स, कार्स और पाम पाम की आवाज़ें आ रही हैं, सो इग्नोर, ये तो आती रहेंगी। अब जी टाइम हो रहा है शलजम डालने का। शलजम मैंने ऐड कर लिया है, अब थोड़ी देर तक इसको मैं भूनूंगी और फिर इसके साथ ही मैं पालक ऐड कर लूंगी। पालक को मैं कभी बॉईल पहले से नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही काटती हूँ डायरेक्ट और डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ, मैंने कभी इसको बॉईल करके नहीं डाला।
मैं ऐसे ही डायरेक्ट डालती हूँ। आप ऐसे बना के देखिएगा, ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपने बॉईल करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बॉईल नहीं करती, मैं ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपनी अम्मी को ऐसे ही बनाते देखा है, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। चाहे वो पालक गोश्त हो, मेथी पालक, आलू जो भी हो, या इस तरह ये शलगम पालक हो, मैं डायरेक्ट पालक ऐसे ही डालती हूँ, मैंने कभी बॉईल नहीं किया और ना ही मैंने शलगम को बॉईल किया है कभी, मैं डायरेक्ट ऐसे ही डालती हूँ। अब मैं इन शलगम पालक को भून रही हूँ, ठीक है, थोड़ी देर भूनूंगी और फिर जनाब थोड़ी देर तक भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है। और पानी आप इतना, क्योंकि सब्ज़ी का भी अपना पानी होता है, पालक का भी पानी होता है, शलगम का भी होता है, तो आपने इतना पानी डालना है कि बस जो है ना ये नीचे ना लगे, ठीक है, नीचे ना लगे और आराम से ये कुक होता रहे, ठीक है। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इसमें हल्का हल्का सा पानी जो है वो पालक का पानी निकल रहा है और शलगम का पानी भी निकल रहा है, तो सिर्फ मैं इतना पानी डालूंगी कि ये जो है ना आसानी से पक जाए, नीचे सालन ना लगे। शलगम पालक जो है वो सफ़ेद चावलों के साथ बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, और देसी घी वाली रोटी या मक्खन ऊपर लगा ले रोटी पे, उसके साथ ये सालन खाएं, मतलब दोनों चीज़ों के साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ, दोनों के साथ बहुत ही ये मज़ा देता है, बहुत ही मज़ा आता है। अब ये देखें मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और पानी देखें कि मैंने कितना थोड़ा ऐड किया है। अभी मैं देख रही हूँ कि अगर इसमें और मुझे पानी की ज़रूरत है तो मैं और डालूँगी इसमें। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे चम्मच हिलाने पे मजाक मत उड़ाइएगा, मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ जल्दी जल्दी में और चम्मच बहुत हिलाती हूँ। देखिए मैंने पानी और ऐड किया है, और अब मैं इसकी आंच जो है ना वो धीमी कर रही हूँ, और मैंने ये ढक्कन दे दिया है। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए पकने दूँगी, ठीक है। और ये देखें इसमें पानी अभी भी थोड़ा सा मौजूद है, 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के देखा है तो पानी अभी भी थोड़ा मौजूद है, और लेकिन शलगम अभी थोड़ी सी कसर रखते हैं, मतलब इसमें थोड़ी सी कसर मौजूद है। अब मैं इसको दोबारा से ढक के रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने खोला है, तो अब इसकी ये शक्ल देखें, सारा पानी ड्राई हो चुका है और सालन जो है वो भुनने के करीब हो चुका है। ऑयल मुझे इसमें कम लग रहा था, मैंने इसमें ऑयल और डाल दिया है, और ये देखें मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। गरम मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मिर्चें भी मैंने डाली, लाल मिर्चें और हरी मिर्चें भी डाली, तो वो मिर्चों का जो वो था वो पूरा हो गया, ठीक है। अगर आप खुशबू के लिए इसमें डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं इसको भून रही हूँ, और मुझे और मेरे हस्बैंड को शलगम ऐसे ही कुचूमर कुचूमर ही पसंद है, मतलब बिल्कुल ये पतला पतला सा हो, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है। वो मोटे मोटे शलगम के पीसेस जो मुंह में आते हैं ना, वो बड़े बुरे लगते हैं, तो मैं ऐसे ही इनको मैश कर लेती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने मैश करने कर ले, नहीं करना ना करें, ठीक है। और ये देखें अब ये सालन मेरा तैयार हो गया, और साथ ही मैंने बॉइल्ड राइस बना लिए थे, ये देखें बॉइल्ड राइस गरम गरम धुएँ निकल रहे हैं जी, देखें ज़रा। अब हमने बॉइल्ड राइस के साथ ये सब्ज़ी खानी है, और क्या ही मज़ा आना है हमने। और ये देखें ये शलगम पालक का सालन तैयार हो गया, सब्ज़ी तैयार हो गई, सब्ज़ी भी खानी चाहिए। और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। और ये मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो ज़रूर शेयर करें, बहुत ही आसान रेसिपीज़ होती हैं मेरी। ओके, मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।